हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास फिफ्थ है। क्लास फिफ्थ का इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। ये लेसन नंबर 7 है, द कैट्स पैराडाइज। हमने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक हमने ये पढ़ा था, लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि एक कैट आ गई थी, एक फीमेल कैट, जिसकी तरफ लुइस अट्रैक्ट हो गई थी, और लेकिन बाकी बिल्लियों ने उसको भगाया था। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अब कंटिन्यू करेंगे। नेवर माइंड हर, टॉम सेड। टॉम ने लुई से कहा कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। यू विल मीट लॉट्स ऑफ लवली फीमेल्स आउट इन दिस वर्ल्ड। तुम इस दुनिया में बहुत सारी फीमेल बिल्लियों से मिलोगी। दे कंटिन्यूड वॉकिंग बनीथ द वार्म स्प्रिंग टाइम सन। वो मौसम बहार में गर्म सूरज के नीचे चलते रहे, एंजॉयिंग द साइट्स एंड स्मेल्स, और नजारे और खुशबुओं का मजा लेते रहे। दे लैंग्वेडली मेड देयर वे बैक टू द रूफ टॉप वेयर दे वुड मेट। और फिर उन्होंने उस छत पर वो फिर से गए जहाँ वो मिले थे। लुइस वॉज स्टार्टिंग टू फील हंग्री। लुइस अब ना भूख महसूस करने लगी। व्हाट डू यू ईट अप ऑन दिस रूफ, ही आस्क्ड टॉम। उसे टॉम से पूछा कि तुम इन छतों पर क्या खाते हो। व्हाट एवर वी फाइंड, टॉम रिप्लाई। टॉम ने जवाब दिया कि जो भी हमें मिले हम वो खाते हैं। तो एक्चुअली लुइस बड़ी परेशान थी, वो हैरान थी कि छतों पर बैठकर हमें क्या खाने को मिलेगा। तो इसलिए उसने टॉम से पूछा कि व्हाट डू ईट ऑन दिस रूफ टॉप्स, अभी यहाँ इन छतों पर तुम क्या खाते हो। तो टॉम ने जवाब दिया कि व्हाटएवर वी फाइंड, टॉम रिप्लाइड। टॉम ने जवाब दिया कि जो कुछ हमें मिले वह हम खाते हैं। लुइस वॉज एम्बेरसड। अब लुइस बहुत शर्मिंदा था। ही हैड नेवर हंटेड फॉर फूड। उसने कभी गुजा के लिए शिकार नहीं किया था। ही बिगैन टू लुक अराउंड। वो इर्द गिर्द देखने लगा। बट ही कुड नॉट फाइंड अ थिंग एंड फियर ही माइट स्टारव। लेकिन उसने कोई भी चीज, खाने की चीज नहीं देखी, और उसे अब उस पर अब खौफ तारी हो गया कि शायद उसको वो भूख की वजह से मर जाए। देन सडनली ही सा अ मैन प्रिपेयरिंग अ मील थ्रू अ विंडो। तो उसके बाद उसने अचानक एक आदमी को देखा, खिड़की से उसको देखा, जो अपने लिए खाना पका रहा था। ऑन द मैन्स टेबल जस्ट अबव द विंडो सिल, आदमी की टेबल पर, उस वो जो वहां पर खिड़की की दहलीज थी उसके ऊपर, ले अ जूसी फ्लैश चॉप। वहां पर एक बड़ा अच्छा सा, एक गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा था। विदाउट थिंकिंग लुइस जंप थ्रू द विंडो एंड ऑन टू द टेबल। तो लुइस ने बगैर कोई सोचे समझे उसने खिड़की से जंप लगाया और उसके उस आदमी के टेबल पर जंप लगाया। ही स्नैच्ड द चॉप। उसने इस गोश्त के टुकड़े को छीना। बट बिफोर ही कुड गेट आउट द विंडो, लेकिन इससे पहले वो कि वो खिड़की से बाहर निकल जाती, द मैन सा हिम एंड रिच फॉर ब्रूम। तो उस आदमी ने उसे देखा और उसने एक झाड़ू उठा लिया। यहां तक हमने पढ़ा, अगले लेसन में हम उसे आगे पढ़ेंगे।